जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी आपके MR के एग्जामिनेशन के बारे में। तो MR का एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो चुका है आज आपका, और अभी गाइस देखिएगा इसका लेवल की बात करें तो कुल मिला के लेवल आपका है वो नॉर्मल रहा है, ठीक है। ज़्यादा ना हार्ड है ना एकदम ईजी है, ठीक है। दो शुरुआत वाले डेज के अंदर आपका एकदम बिल्कुल अच्छा रहा एग्जामिनेशन, बीच में थोड़ा सा लेवल अपडेट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड आया था, उसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं, मैंने देखा था काफ़ी कमेंट भी आए थे। तो गाइस सभी जो आपके डाउट हो बात इसमें अभी डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से कि आपका रिजल्ट कब है और क्या सीन है और क्या क्या प्रोसेस है, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा PFT के लिए और आपका कट ऑफ का क्या सीन है। तो सबसे पहले यही हम बात करेंगे। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, जिस कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो गाइज लास्ट ईयर की सबसे पहले बता देता हूँ, आपका रिजल्ट है ऑनलाइन रिजल्ट है वो आ गया था एक डे मध यानी आज जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर माने आज यानी AA और SSR का आया था, नेक्स्ट डे आपका MR का भी आ गया था, और लास्ट डे जो मतलब लास्ट जो अभी वैकेंसी गया है उसके अंदर जो रिजल्ट आया था ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है उसका आया था 15 अक्टूबर को, ठीक है, और 14 अक्टूबर को नेवी AA SSR का आ गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको एकदम प्रूफ के साथ मिल जाएगा, ठीक है, 15 अक्टूबर को और शाम को आया था, ठीक है गाइज। तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, ये जो व्हाट्स न्यू है इसमें आपको पहले अपडेट कर दिया जाता है और साइट अंडर मेंटेनेशन की जाती है, हर बार ही जाए आपका कुछ भी अपडेट हो साइट में नेवी के अंदर, ठीक है, तो वो ये प्रोसेस हमेशा से होता रहता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे कि इस बार कितने दिन में आएगा, तो लास्ट ईयर जो आपका गाइज आया था यानी 22 दिन 21 या 22 दिन के अंदर है आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो इस बार बात करें तो आपका जैसे मिनिमम 15 डेज होता है, ठीक है, 15 दिन लग ही जाते हैं, 15 दिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लग जाते हैं, 15 से 17 दिन के बाद में, तो जो माना हो तो मैं आपको यहाँ पे लगभग आपकी जो डेट निकल के आ रही है वो आती है 22 या 24, इसके मतलब फरवरी के लास्ट वीक में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, फरवरी के लास्ट वीक में ही आएगा, ठीक है। 25 26 यहाँ तक भी आ सकता है, ये कन्फर्म नहीं है डेट कितना है, लेकिन उससे पहले अपडेट कर दिया जाएगा जब आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे। और आपको हर एक अपडेट पाने के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक लेटेस्ट अपडेट तुरंत आपको मिलता है गाइस, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता देता हूँ, MR का जो कट ऑफ है, MR का कट ऑफ आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि स्टेट वाइज जाता है, हर एक स्टेट का अलग अलग रहेगा, और मिनिमम सेक्शन वाइज की बात करूँगा कि मिनिमम एक सेक्शन में कितने नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। तो आपके मिनिमम सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, लास्ट ईयर आपके दो सेक्शन होते हैं ए और बी, तो प्रत्येक सेक्शन में चार चार नंबर लेना बहुत ही जरूरी था, ठीक है गाइस। तो चार चार नंबर लेके आओगे तो मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया था ये आपका, और आपको पता भी चल गया होगा ये, ठीक है, स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो ये था गाइस, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि 8 नंबर लेके आएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कट ऑफ आएगा वो PFT के लिए आएगा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए गाइस, ठीक है, और मेडिकल भी साथ होता है, ये भी बता देता हूँ आपको। और इसके बाद में बात करें यहाँ पे कि इस बार का मैंने रिजल्ट के बारे में बता दिया, मिनिमम कट ऑफ है वो इस बार कितनी रह सकती है, तो 4 भी रह सकती है और गाइस थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है और 5 भी जा सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 3 4 5 कितनी भी रह सकती है, ठीक है। तो ये कन्फर्म नहीं है, जो इंडियन नेवी जारी करेगा हर एक इसका रेशियो निकलता है कि कितने स्टेट से कितने बच्चों को लेना है, बच्चों को वहाँ पे लेना है, ठीक है, तो वो ये आपका सीन रहता है गाइस। और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो इस बार कम कैंडिडेट्स को बुलाएगा क्योंकि 400 ही वैकेंसी है और पहले 4 गुणा हमेशा ही बुलाते थे PFT के लिए, तो यहाँ पर इस बार 3 गुणा ही बुलाया गया है यानी 1200 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। तो और गाइज आपका जो भी डाउट है आप जरूर पूछिएगा, और जैसे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपको सही लग रहे हैं और आपका क्या आइडिया है, आपकी स्टेट का नेम और आपका स्कोर कितना बन रहा है वो ज़रूर आप कमेंट करें, और आपका इस वीडियो के सेक्शन में आपके लिए कट ऑफ एनालाइज करके ज़रूर आपको बताया जाएगा किस तरीके से एक्सेप्टेड कट ऑफ का एक और वीडियो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में बात करूँ गाइज़ कि आपको ज़रूर से कमेंट करना है, और गाइज़ अभी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सीन वहाँ का है। तो दोस्तों मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ, अक्टूबर बेंच आपका यानी एग्जामिनेशन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी बताई गई है वो 400 के आसपास बताई गई है, ठीक है, समथिंग है, लेकिन 400 से कम कभी नहीं होगी। और यहाँ पर इधर आ जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे C पॉइंट में लिखा है रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस
आपका टेंटिव मतलब अनुमानित बताया गया, एक्सेप्टेड, ठीक है, 30 दिन के अंदर आ जाएगा, 30 दिन के अंदर, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 1200 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज, PFT के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। ये हमेशा ही 4 गुना बुलाते थे, लेकिन इस बार से SSR AA में भी इस प्रकार से किया है और MR में भी इस प्रकार किया है। और गाइज ये देखिएगा, 1200 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो कंपटीशन तो देखिएगा ज़्यादा हो ही जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। और इसके बाद में बात करता हूँ गाइज आपका रिजल्ट के लिए, सभी अपडेट पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। और गाइज सभी आप कैंडिडेट्स हैं BSc अपना फिजिकल के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा, जिनको कॉन्फिडेंस है कि अपने को हम एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो वो अपना फिजिकल अभी से स्टार्ट कर दें। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट होता है इससे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना गाइज, और आपका कट ऑफ के लिए एनालाइज करके एक वीडियो आपको मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार का इससे संबंधित तो आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूँ एक और नए अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।